अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान सेंचुरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां यूसुफ़। आज हमारे साथ बलूचिस्तान की मुमताज़ सियासी समाजी कबायली शख्सियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा कुर्द कबायल के सरबरा सरदार रबनवास कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बलूचिस्तान में जो मौजूदा सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, इससे किस तरह नबर्दाजमा होने की ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इनको मुस्तकबिल किस तरह नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि सर, बलूचिस्तान में जो इस वक्त सियासी बहरान एक नज़र आ रहा है, सिर्फ सीट के पीछे ही लोग लड़ रहे हैं, इससे कबल जाम साहब के बाद फिर दोबारा कद्दू साहब की गवर्नमेंट आई, फिर दोबारा अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई, लेकिन जो सर्विसेज हैं हुकूमती सर्विसेज वो आवाम तक डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, किस तरह बलूचिस्तान को अपने डगर पर लाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, और इसके अलावा जो सियासी बुरहान आपको नज़र आ रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह बलूचिस्तान के आवाम की हालत इज़हार को बदला जा सकता है, फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप इतना टाइम निकाला, हमें टाइम दिया और हमें बात करने का एक मौका मिला। देखें जी, पीपल्स पार्टी में हम तो 3-4 साल से हम ऐसी उसमें थे, कश्मकश में थे कि यार पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है। हमारे पास तो काफ़ी पार्टी वाले आए, हमें दावत भी दी, तो हमने पीपल्स पार्टी में वो चीज़ें समझी कि हमारा इसमें फ्यूचर भी है, पूरे बलूचिस्तान का, हमारे आवाम का भी फ्यूचर इसी में है। तो इसलिए फिर हमने और नवाबजादा शादी ने, सरदार नूर अहमद साहब हैं, तो हमने इकट्ठे होकर हमने ये ज्वाइन किया। रही बलूचिस्तान की सियासत की बात, तो ये तो अभी चलता हुआ आगे भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये सियासत तो हमेशा फिर ऐसे ही है, कभी कौन से वज़ीर आला साहब आते हैं, कभी कौन से, अभी देखें पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये तो वज़ीर आला अभी इतना आसान हो गया इनको चेंज करना कि एक आप आम बंदे को जब चेंज करते हैं तो ये वज़ीर आला शिप भी ऐसे ही हो गया। जैसे पहले बलूचिस्तान आसान था सियासत में, अभी देखें अभी आपके सामने कब से ये चल रहा है अपना पंजाब का, तो कभी कौन से वज़ीर आला साहब आते हैं, कभी कौन से आते हैं, तो सियासी हिसाब से तो ये तो चलता रहेगा, अल्लाह मालिक है। देखें अब पीपल्स पार्टी जब आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि इसमें हम गवर्नमेंट में भी चेंजेस लेकर आएँ और अपने मसलों में भी, जितने मेरे हमारे जो बहरान चल रहे हैं, हमें पहले अपने हेल्थ का, एजुकेशन का मसला हल करना चाहिए, तो इसके साथ साथ ही फिर हम चलेंगे। जब हेल्थ नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो यार ये तो फिर चलते जाएंगे हमारे साथ बहरान। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान सी पैक का हामिल सूबा है, यहाँ सी पैक मौजूद है, कुदरती जो वसाइल हैं उससे माला माल सूबा है, रेकोडिक यहाँ पर है, सेंधक यहाँ पर है, इसके अलावा कोयले की बात करें, तांबे की बात करें, जितने भी कुदरती नबातात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान के अवाम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, कौन इसके ज़िम्मेदारान हैं, सरदार हैं या फिर सरकार? देखें जी, इधर तो एक तो हमारी ज़मींदारी है, हम लैंडलॉर्ड हैं, आपको बताऊं मैं, इधर दशत में हमारी ज़मीनें हैं और हम माइन ओनर्स भी हैं, शायद आपको पता होगा दशत अपना बोलान में, तो पार्टीशन से पहले ही हम माइनिंग कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते थे, अभी हम कर रहे हैं, तो ये हमारी फैमिली बिजनेस है दोनों, और तो कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। देखें बलूचिस्तान में ज़मींदारी का हाल तो आपको पता है कि ना बिजली है ना पानी है, पानी दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है, डैमों का हाल आपके सामने है कि कैसे डैम बन रहे हैं, कहीं डैम छोड़ते नहीं हैं, जब जिधर डैम बनते हैं तो वो रिपेयर नहीं होते, या ऐसे बनते हैं कि एक ही बारिश में वो टूट जाते हैं। वही मैं बता रहा था ना आपको, अर्ज़ कर रहा था कि हमारी इंडस्ट्रीज सिर्फ चले इंडस्ट्रीज़, ये भी हम माइन ओनर्स को नहीं दे रहे हैं, हमने काफ़ी कोशिश किया विफाक से भी कि माइन ओनर्स को इंडस्ट्रीज़ का एक वो दिया जाए कि ताकि हम आगे अपने काम बढ़ाते जाएं। इधर तकरीबन हमारे माइनिंग में सिर्फ आपका कोयला का जो काम है क्वेटा में या बोलान की तरफ, इसमें लगभग लाखों मजदूर काम करते हैं, तो इधर भी टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इतने टैक्स हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम है जो माइनिंग में करते हैं, या रोड है या जो भी है, हम अपनी मदद माइन ओनर्स अपनी मदद आप कर रहे हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं है हमारे अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ना विफाक का, टैक्स तो दिन पर दिन वो लेते जा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन कोऑपरेशन कोई नहीं है, इसीलिए ज़ाहिर है फिर तो हम नुकसान में जाएँगे, तो नुकसान में जब जाएँगे तो काम कौन कर
करेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है ना, आप हमसे तो टैक्स ले रही है लेकिन हमें कोऑपरेट नहीं करती हमारे साथ। हम अपने जो फ़र्द वायद की बात नहीं है ना, जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम हमारी ना रोड बनते हैं ना कोई काम बनता है, बारिश होती है एक हफ्ता हफ्ता हमारे रास्ते बंद होते हैं, रोड तो नहीं है, हम अपनी मदद आप काम करते हैं तो ज़ाहिर है तो फिर वसाइल तो ऐसे ही बनेंगे ना। गवर्नमेंट जब हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगी तो हम भी तो आवाम के साथ हैं। अभी हमारे साथ जब लाखों मजदूर हैं तो वो भी तो समझो 1 लाख घर हो गए ना, तो 1 लाख जब घर होंगे तो बलूचिस्तान की आबादी तो यही है, और बची इसमें बचा क्या? एजुकेशन वो नहीं देते इनमें तो, ना एजुकेशन है ना हेल्थ का कोई सिस्टम है। हम अपना एजुकेशन भी अपने मज़दूरों को खुद करवाते हैं, हेल्थ का भी हमने खुद संभाला हुआ है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। अच्छा, आपके ज़िला में अभी हालिया जो बारिशें हुई हैं, फरमाइएगा क्या क्या नुकसान हुए, क्या गवर्नमेंट ने आपके ज़िले को, ज़िला कच्छी को आफत ज़दा करार दिया, और अगर आफत ज़दा करार दिया है तो आवाम की रिहैबिलिटेशन के लिए PDA में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने क्या इकदाम उठाए हैं या मज़ीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ये फरमाएँ सर। जी, बोलान को तो आफत ज़दा उन्होंने करार दे दिया। हमारे कौम 2 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट में और दश में भी काफ़ी नुकसान हुए, और बोलान में भी आपने तो सुना होगा तीसरी दफ़ा है हमारा मच का जो पुल है वो गिर रहा है। तो ये भी तो देखें, ये गवर्नमेंट का काम है ना, चेक एंड बैलेंस। जिधर चेक एंड बैलेंस जिस काम में भी नहीं होता वो तो इसका यही हाल होगा कि जैसे अभी मच का पुल है तो आफत ज़्यादा तो करार दिया है PDA में। अभी सुना है कि काम अभी स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह ताला, मेरा भी उनसे रबता है, राशन भी इंशाल्लाह जो हमारे जिस फैमिली में नुकसान जिधर हुए हैं तो वो राशन भी इंशाल्लाह तकसीम होगा।